एड्रेस उसको ले आ रहे हैं सबको, ये मैटर का मिलता था उसने लिखा था। हाँ एड्रेस ये सर वेरीफाइड का यूजर है, वेरीफाइड फर्स्ट टाइम इसको वेरीफाई करेगा। जैसे कोई भी किसी बंदे का नाम जैसे मानते हैं सर, कोई है पता यहाँ पे भी उसके अलावा तो नहीं आपको मैंने कर दिया। जैसे आशीष शर्मा अमित ये अजमत बेगा है, डॉक्टर मुदस्सर, जैसे सर डॉक्टर मुदस्सर का मैं कर लेता हूँ। हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कोरोना वैक्सीन का जो शुरुआत हुई है, जो कोविड वैक्सीन कोविशील्ड और कोविड वैक्सीन जो आई है हमारे इंडिया में शुरुआत हुई है 16 तारीख को, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने पूरे देश में शुरुआत की है। उसी के तहत आज हमारे मेंटर सब आज यहाँ वैक्सीन सेशन जो है वो शुरुआत उसकी की गई है। इसमें हमारे PMO साहब डॉक्टर परवेज़ अहमद खान साहब ने लीड करते हुए फर्स्ट वैक्सीन जो है लगवाया है, और इसी में इसी कड़ी में हमारी जो सेशन से आगे जारी रहेंगे। आगे आने वाले 3-4 दिनों में हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको हम यहाँ कवर करेंगे। फर्स्ट डोज आज लगा है और ठीक इसके 28 दिन के बाद 4 वीक्स के बाद सेकंड डोज लगाया जाएगा। तो पब्लिक से यही अपील है, और ख़ासकर अभी फर्स्ट फेज़ में हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उसके बाद हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनको यही अपील की जाती है कि इस वैक्सीन का कोई ऐसी कोई साइड इफ़ेक्ट या ऐसी कोई रिपोर्टेड अभी तक कोई ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है मेजर। अभी तक पूरे ऑल ओवर इंडिया में 16 लाख के करीब लोगों ने ये वैक्सीन जो है वो लिया है और ये बिल्कुल सेफ़ है। तो इसी कड़ी में हम जो हमारी जो आज शुरुआत यहाँ मेंढरे से भी हमने की है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने यदि ने 16 जनवरी को COVID-19 वैक्सीनेशन का आगाज़ किया था, और हमारी स्टेट में 48 साइट्स पर सेशन जो साइट जो है वो वहाँ पर स्टार्ट किया था, उसमें इनॉग्रेशन हुई थी। उसके बाद आस्ता आस्ता हर जगह पर ये सेशन स्टार्ट हुए थे। तो आज हमारा जो SDA में हमने 60 बेनिफिशरीज को जो है वैक्सीनेशन करना है। तो सभी बेनिफिशरी ऑलमोस्ट आ रही हैं, पुंछ से हमारे जो खास ही हमारे जो ये वर्क करते हैं वैक्सीनेशन में रिलेटेड काजी साहब वो भी आए हुए हैं, डाटा पोर्ट लोड हो रहा है। तो पहली वैक्सीनेशन मैंने खुद कराई है, और मैंने पहली वैक्सीनेशन खुद कराने का मेरा मकसद ये था कि जितने भी हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर और जो भी आगे आगे जो भी सेशन आती रहेंगी, उसमें कोई भी किसी किस्म की कोई अफवाह को ना ले। जैसे मैं करवा रहा हूँ, आप मीडिया पर्सन करवा रहे हैं, तो आम आदमी जो है जो ऐसे किसी की अफवाह में ऐसे ना आए, ताकि 100% वैक्सीनेशन COVID-19 वैक्सीनेशन हो, जिससे ताकि COVID-19 वैक्सीनेशन जो ऑल ओवर इंडिया में फैली हुई है उसको खात्मा हो, और हमारा देश जो है जल्द से जल्द जो है COVID-19 फ्री हो जाए। तो फर्दर में मैंने जो वैक्सीनेशन लगाई है उसका ये सर्टिफिकेट अभी जो है ये प्रिंट निकला है मेरी, और अब दोबारा जो मेरी सेकंड डोज है 28 डेज 4 हफ्ते के बाद बनेगी। इसलिए मेरी तमाम हेल्थ वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स और आम पब्लिक को बहन भाइयों से ये अपील है कि ये वैक्सीनेशन सेफ है, किसी लोगों की अफवाह पर ना जाए। और डाटा आपको लोड हो रहा है, जब भी मैसेज आता है जो भी जिसकी डेट बनती है उसकी वैक्सीनेशन हो रहा है।